नमस्कार, स्वागत है ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में सभी दर्शकों का। आज हम बात कर रहे हैं गायत्री महामंत्र के चमत्कारों की। गायत्री महामंत्र क्या है और गायत्री महामंत्र के बारे में, इसके वर्णन के बारे में शायद ही कोई सनातनी धर्म का व्यक्ति हो जो इसके बारे में ना जानता हो, क्योंकि हम सनातन धर्म के लोग जो हैं गायत्री महामंत्र को मंत्र नहीं मानते, इसे महामंत्र मानते हैं। क्योंकि गायत्री महामंत्र एक ऐसा मंत्र है कि अगर हृदय से प्रतिदिन इस मंत्र का जाप किया जाए और इस मंत्र का उच्चारण किया जाए तो यह भौतिक जैविक सभी प्रकार के सुखों को देने वाला माना जाता है। गायत्री मंत्र की महिमा तो हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में जगह जगह की गई है और इसका बखान जो है असीमित है। गायत्री महामंत्र को सब कुछ देने वाला माना जाता है। गायत्री महामंत्र तो ऐसा मंत्र माना जाता है हमारे सनातन धर्म के लिए कि यह सब कुछ करने में संभव है। गायत्री महामंत्र की जितनी भी व्याख्या की जाए वह कम है, क्योंकि आपके गायत्री महामंत्र के अंदर सभी देवताओं का वास होता है, सभी देवियों का वास होता है, संसार की संपूर्ण शक्ति अगर एक किसी मंत्र में समाहित है, किन्हीं शब्दों में समाहित है, तो वह है गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र के प्रत्येक अक्षर शब्द ही नहीं, शब्द तो बहुत दूर की बहुत बड़ी चीज है, गायत्री महामंत्र का प्रत्येक अक्षर ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। अगर गायत्री महामंत्र के आप लाभ लेना चाहते हैं तो गायत्री महामंत्र के चमत्कारों का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इसके चमत्कारी लाभों के लिए सर्वप्रथम अपनी शैया को ब्रह्म मुहूर्त में आप त्याग दें। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से माना जाता है, प्रथम मुहूर्त भी इसे ही कहा जाता है। मुहूर्त का अर्थ होता है 3 घंटे, इसीलिए हमारे समय की गणना के अनुसार, हमारे सनातन धर्म की गणना के अनुसार प्रतिदिन 8 मुहूर्त होते हैं और प्रथम मुहूर्त जो होता है ब्रह्म मुहूर्त होता है, अर्थात ब्रह्मांड का मुहूर्त, और गायत्री जो है ब्रह्मांड का महामंत्र है। गायत्री मंत्र, गायत्री महामंत्र स्वयं एक ब्रह्मांड है। तो गाय जो प्रथम जो मुहूर्त माना जाता है सुबह 4 बजे का, तो यह गायत्री महामंत्र का ही काल माना जाता है। यह इस समय आप अपनी शैया को त्याग दें और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के अपनी आत्मा को, अपने मन को एक कर और गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यही बस गायत्री महामंत्र है। इस मंत्र को आप प्रतिदिन हृदय को, मन को, आत्मा को एक होकर के आप इस मंत्र का जाप करते हैं।
जाप करने पर आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आपको ये ना लगे कि आप मंत्र को बोल रहे हैं, आपका मंत्र इस तरीके से उच्चारण हो कि आपको यह एहसास हो कि मंत्र जो है मेरे हृदय से स्वयं ही प्रकट होकर, स्वयं ही उदय होकर कर गूंज रहा है, तो आपको थोड़े समय में ही बहुत सारे लाभ मिल जाएंगे। गायत्री महामंत्र, ऐसा संसार के अंदर कोई रोग नहीं है जो कि गायत्री महामंत्र नाश ना कर दे। ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो गायत्री महामंत्र से नष्ट ना हो जाए। ऐसी मनुष्य की कोई कामना नहीं है जो गायत्री महामंत्र का जाप करने से वह पूर्ण हो, क्योंकि गायत्री महामंत्र वह महामंत्र है, इतना देने वाला, इतना बलशाली महामंत्र माना जाता है हमारे सनातन धर्म में, कि इतना देता है कि उतनी मनुष्य, विद्वान से विद्वान मनुष्य भी आज तक संसार में कामना नहीं कर सका। मनुष्य की सभी कामनाओं को, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में अगर कोई मंत्र है तो वह गायत्री महामंत्र है। गायत्री महामंत्र की इतनी महिमा है कि हमारे प्रत्येक देवता, जो हमारे मुख्य देवताओं में भगवान विष्णु हो, महाकाली हो, माँ दुर्गा हो, भगवान शिव हो, श्री गणेश हो, ब्रह्मा हो, माँ सरस्वती हो, स्वयं सभी के गायत्री मंत्र अवश्य हैं। और जब कोई रास्ता नहीं बचता और मनुष्य के सारे उपाय जब नष्ट हो जाएं अपने कष्टों को समाप्त करने में, उसके पास कोई उपाय ना बचे, तब सुबह उठे 4 बजे और गायत्री मंत्र का यदि कोई व्यक्ति उच्चारण करता है, इनका पाठ करता है और गायत्री मंत्र को पढ़ता है प्रतिदिन कम से कम 108 बार, तो आप इस मंत्र को अवश्य ही करें, इस मंत्र का जाप अवश्य ही करें, कम से कम, ज़्यादा आप चाहें जितने कर सकते हैं। तो जब सारे उपाय, सारे कार्य करवा कर आप थक जाएं और आपको निराशा ही हाथ लगी हो और उम्मीद की कोई किरण नज़र ना आ रही हो, उस समय आप इस गायत्री महामंत्र को, निराशा हाथ ही नहीं लगने देता, क्योंकि गायत्री महामंत्र कोई मंत्र नहीं, यह तो पूर्ण ब्रह्मांड है। इसीलिए गायत्री मंत्र को ब्रह्मा माना जाता है, क्योंकि हम सब अगर कहीं से प्रकट हुए हैं तो वह गायत्री मंत्र है। इस मंत्र के समकक्ष अगर इसके बाद कोई और मंत्र मुख्य स्थान रखता है तो वह जैन धर्म का है। जैन धर्म का रमोकार मंत्र जो है वही इसके बाद की श्रेणी में आता है, वरना गायत्री महामंत्र के आसपास भी दूर दूर तक रमोकार मंत्र के सिवा और कोई मंत्र इतना बलशाली नहीं है। अब बहुत से लोग यह भी प्रश्न करते हैं कि हम तो मंत्र का जाप करते हैं, कार्य नहीं होते। तो मैंने पिछले ही एपिसोड में मंत्र कैसे चमत्कार करता है इसके बारे में आपको जानकारी दी है। मंत्र जब भी आपका कार्य करेगा, जब वह आपकी आत्मा के द्वारा से शब्द निकलें, आपके मुख से वह शब्द नहीं निकल रहे, मंत्र के शब्द आपके मस्तिष्क से नहीं निकल रहे,
आपकी जीभ भी नहीं हिलेगी, होठ भी कार्य करना बंद कर दें, जीभ भी कार्य नहीं कर रही, आपका मस्तिष्क भी कार्य नहीं कर रहा। कार्य कर रहा है आपका हृदय, मंत्र का उदय हो रहा है आपके हृदय से और उच्चारण कर रही है आपकी आत्मा। अगर आप ऐसी स्थिति में पहुंचकर मंत्र का जाप करते हैं तो मात्र 108 मंत्र ही आपकी निराशा की दुनिया में चमत्कार कर देंगे। इतना चमत्कारी और बलशाली है गायत्री महामंत्र। और इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो हमेशा रुद्राक्ष की माला को ही प्रयोग करें। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय, भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।